हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राकेश। मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप शेयर चैट ऐप को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, शेयर चैट भी एक वीडियो स्टेटस है और ये आप इंडियन ऐप है, और आपको इस वीडियो में आपको फुल ट्यूटोरियल इस ऐप के बारे में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस ऐप को पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको, मैंने डाउनलोड कर रखा है और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से जाके भी आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने डाउनलोड कर रखा, तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे अपना क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आपको लैंग्वेज चलाना आता है, जिस लैंग्वेज में आपको इसको यूज करना है, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको पहले करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल नंबर से इसे अपने आपको अकाउंट इसमें बना लेना है। तो मैं इसमें मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। फिर नीचे आपको जेंडर सेलेक्ट पर इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने बाद आपसे कुछ परमिशन अलाउ मांगेगा, तो आपको अलाउ दे देना है। अलाउ देने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के आएगा। तो आपको करना क्या, सबसे पहले आपको यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, मेल फीमेल है, जो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको यहाँ पे एज सेलेक्ट करना है कि आप 24 से 18 से 24 के बीच में, 25 से 34 के बीच में, 35 से 44 के बीच में, तो जिस एज के बीच में आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आपको यहाँ अकाउंट पर जाए, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने खुल के ओपन होकर आएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको होम का ऑप्शन दिख रहा है। होम का यहाँ पे होम का ऑप्शन दिख रहा है। होम का ऑप्शन में आपको यहाँ पे आपको फॉलोइंग का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे मेरा अभी नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, तो यहाँ पे आप फॉलो करने का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको उसे फॉलो भी कर सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन मिलता है लोकप्रिय का। लोकप्रिय क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा, जो भी आपका लोकप्रिय होगा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको मिलता है वीडियो का। वीडियो का ऑप्शन क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे वीडियो सारे, बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, जो भी वीडियो आपको देखना हो वहाँ पे इस पर क्लिक करके आप स्वाइप अप, जैसे टिकटॉक में वगैरह देख सकते हैं, तो ऐसे इसमें भी आप देख सकते हैं। फिर आपको ऑप्शन मिलता है वायरस की जानकारी, इसमें आपको अपडेट मिलती रहती है कोरोना वायरस की, वो आपको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है खबरें की, यहाँ आपको मिल जाता है फिल्म गाने की, यहाँ खेल की, यहाँ लव की, यहाँ शुभकामनाएं की, यहाँ आप देख सकते हैं शुभकामनाएं के जो भी स्टेटस हो यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पे अभी मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, जिस चक्कर में थोड़ा दिक्कत है। आप देख सकते हैं स्टेटस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा शुभकामनाएं की। यहाँ व्हाट्सअप का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ फिर भक्ति का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको मज़ेदार जो हंसी मजाक वाला वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे स्टेटस देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे फैशन का देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है खजाना का, इस पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है शेयर चैट ट्रेंड एंड इसके जो जिस टॉपिक पे आपको स्टेटस चाहिए, जो चाहिए आपको, यहाँ पे कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए व्हाट्सअप से इस पर आप क्लिक करते हैं, तो इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्कूल कॉलेज वीडियो व्हाट्सअप प्रोफाइल सब आदा गाने आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और ग्रुप देखे यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखता है, यहाँ पे उसको आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है स्टेटस का, यहाँ कैमरे का, फिर आपको यहाँ पे मिल जाता है अपलोड का, अपलोड का, फिर यहाँ पे मोशन मोशन वीडियो का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको स्टेटस यहाँ पे लगाना हो तो यहाँ से आप इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी आप स्टेटस यहाँ पे लगाना चाहते हैं, जैसे बैकग्राउंड, अगर बैकग्राउंड के साथ लगाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड के साथ लगा सकते हैं, तो आप बैकग्राउंड के बिना भी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर बैकग्राउंड के बिना लगाना, तो आपको करना क्या होगा, यहाँ बैकग्राउंड के बिना इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जिस यहाँ पे आपको टाइप कर देना होगा, जो भी आपको स्टेटस लगाना होगा, तो यहाँ पे आपको 50 अंक का आपको यहाँ पे कम से कम यहाँ पे आपको टाइप कर देना होगा। अपना लिखने के बाद आपको ऊपर लिखना है, फिर आपको यहाँ पे पोस्ट चूज करना है कि आपको कौन से कैटेगरी में आपका जो आपने बनाया है वो आपको कौन से कैटेगरी में, तो आपको जो भी है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्ट के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपलोड, यहाँ पे आप देख सकते हैं आप अपलोड, चैट का ऑप्शन, चैट के ऑप्शन में आपको यहाँ पे देखने को क्या क्या मिलेगा कि अगर आप जितने भी पॉपुलर ग्रुप है यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रुप चाहे अपना खुद का भी नया ग्रुप बना सकते हैं। तो जो भी पहले पॉपुलर ग्रुप यहाँ पे अपने, यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले ऊपर आप देखिए अपने,
अपने पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको यहाँ पे शेक और चैट का यहाँ दोस्त से पर्सनल दोस्त से चैट कर सकते हैं। अगर शेक और चैट से क्लिक इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मेरी प्रोफाइल दिखा भी सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बंद भी कर सकते हैं। तो बंद कर यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे लिख दीजिए, हाय वगैरह जो भी है, यहाँ पे मैं हाय लिख देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से आप प्रोफाइल बंद कर सकते हैं। अगर नहीं करना बात इससे तो आप यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। तो मैं बात नहीं करना चाहता तो यहाँ पे बंद कर तो हाँ, फिर आपको यहाँ से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको करना क्या है, फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है प्रोफाइल का, इस पर जैसे क्लिक करते हैं आप तो प्रोफाइल के ऊपर, तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपका प्रोफाइल। यहाँ पे आपको यहाँ से आप इस पर क्लिक करके आप अपना पीछे का कवर फोटो लगा सकते हैं, और यहाँ से फिर ऑप्शन मिल जाता है आपको यहाँ पे, आप अपना यहाँ पे अपना प्रोफाइल सेट करने के लिए आप यहाँ पे अपने फोटो लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है मुझे शेयर चैट पर फॉलो कर, आपने जितने का फॉलो कर रखा हो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जितने का फॉलो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपका जो भी आपका प्रोफाइल है यहाँ को आपको देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा जो भी आपने पोस्ट किया होगा, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने जो भी आपने पोस्ट किया वो दिख जाएगी, यहाँ गैलरी दिख जाएगी, यहाँ ग्रुप में जितने भी ग्रुप में होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपको यहाँ से आप ग्रुप भी बना सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। फिर आपको दोस्तों ऑप्शन मिलता है सेटिंग का, आप ऊपर देख सकते हैं सेटिंग के ऊपर ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्क्रीन बदलने का, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करना है यहाँ पे आप अंग्रेजी, तो मैं सारा लैंग्वेज यहाँ से अंग्रेजी हो चुका है अंग्रेजी में। फिर यहाँ पे डाटा सेवर पोस्ट डाउनलोड अकाउंट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, प्राइवेसी सेटिंग नोटिफिकेशन सेटिंग हेल्प सेटिंग एंड प्राइवेसी, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। फिर मैं आपको बस इस ऐप में आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आप शेयर चैट ऐप को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे आपको इसको यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के जरिए आपको समझ में आ गया हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे इस चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।